गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं श्वेता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और भाई देखिए, आज है नवमी का दिन, तो बस घर आते ही हो गई भाई तैयारी पूजा पाठ की। तो बस साड़ी वगैरह पहनने के लिए निकाल लिया, और देखिए मिष्टी को मैंने आज ड्रेसअप कर दिया है, फ्रॉक पहना दी है। तो फ्रॉक में कितनी क्यूट क्यूट से लग रही है ना, और इसको भी बड़े मज़े आ रहे हैं। भाई कह रही थी मम्मा मुझे टॉप जीन्स ये सब पहना, तो आज आप कुछ डिफरेंट बना। तो उनका ठीक है भैया, आज डिफरेंट पहना देते हैं। तो ये देखिए कितनी मस्ती कर रही है यहाँ पर। और रिद्धि सिद्धि तो कंजक खाने गई हुई हैं कन्याओं में। तो बस अब मैं भी रेडी हो गई हूँ। देखिए रेडी होने के बाद जब हेयर वॉश करो ना, तो बड़े चिपके चिपके से बाल लगते हैं। अभी मैं हेयर मतलब मैंने ड्रायर भी नहीं लगाया, मैंने कहा पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। आज हवन वगैरह भी होना है, तो बहुत सारे काम है मेरे पास। आज पूजा का डे है, तो भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मिस्टर इंडिया बाहर का सब मतलब पूजा का देख लेंगे, हवन वगैरह का। तो वो सब जो होता है ना, हवन की वेदी वगैरह, वही डेकोरेट करते हैं, वही सब मतलब वो पूरी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन पूरे हवन से पहले की। और मेरा क्या रहता है, मैं ना अंदर की पूजा पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर पूजा आरती हो जाती है ना, तो फिर बाहर आरती पूजा में बैठ जाओ तो फिर जल्दी उठना नहीं होता और फटाफट सब करना होता है। और देखिए मिष्टी यहाँ शरारत है, इसकी स्टार्ट है। और ये ना इसको क्या है ना, घंटी बजाने में बड़ा मज़ा आता है। जब मैं आरती गाती हूँ ना, तो इसे घंटी बजाती है, तो इसको यही लग रहा है कि, तो कह रही मम्मा जल्दी करो घंटी बजाना है। तो मैंने कहा अभी बजा लेना है घंटी। और बस मैं भगवान को फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ, और पूजा में मतलब मैंने स्नान वगैरह करा दिया है, फूल वगैरह चढ़ा के चंदन वंदन सब लगा दिया है, प्रसाद वगैरह चढ़ा दूंगी। अब देखती हूँ आरती का क्या है, कि साथ में आरती होती है हवन वाली और यहाँ की मंदिर की, या फिर आगे पीछे करते हैं, जैसा भी होगा। बाहर अगर देर होगी तो मैं अंदर वाली आरती पूरी कर लूँगी, और फिर बाहर बैठना होता है ना हवन में। हम लोगों का क्या है ना, जैसे मिस्टर इंडिया को हवन वगैरह करना आता है, तो वो ना बढ़िया मंत्र वगैरह पढ़ के हवन करा देते हैं, और वो जो यजमानी वाला होता है ना, वो मुझे बैठा देते हैं, कहते हैं तुम हवन करना और मैं बढ़िया पंडित बन जाता हूँ। उनका हाँ भाई, भाई देखो अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर नहीं आती तो कोई बात ही नहीं। तो वही सब हो रहा था, मैं फटाफट से डेकोरेट करती हूँ भगवान को। और आज मैंने ना इतने सुंदर सुंदर फूलों से माता रानी को सजाया है, पूरे गुलाब के फूल से। पता है माला मैंने मंगाई थी, तो ना माला मतलब नहीं मिल पाई थी, लेट हो गया था इनको आते आते, तो फिर माला वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो ये कह रहे थे मैंने माला नहीं, तो मुझे फूल देखे, तो मैंने फूल ले लिए। और वो फूल वाले जो भैया होते हैं ना, वो कहने लगे कि अगर आपको माला लेनी है तो फिर आप मॉर्निंग में आओ, तो मॉर्निंग में इतना जल्दी नहीं हो पाता है। तो फिर बस हमने, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी मिल जाए उसी से भगवान को सजाना आना चाहिए बस। और आज माता रानी वाकई में बहुत सुंदर लग रही है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी बैक कैमरे से। इतनी सुंदर लग रही है ना कि मुझे इतनी तारीफ करूँ उतनी कम है। वैसे तो वो बहुत सुंदर है ही, लेकिन अगर आप उसको उनको मन से सजाते हो ना, तो और भी सुंदर लगने लगती है। और आज मैंने अपनी तीनों कन्याओं को ना बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहना दी है। और वैसे तो मैं फ्रॉक वगैरह जल्दी नहीं पहनाती, लेकिन आज मैंने सब पहना दिया। और होता है ना कुछ डिफरेंट पहना देना चाहिए, तो वो दोनों तो बाहर हैं, अभी देखते हैं कब तक आती है कंजक खा के। और ये दोनों, ये मैडम मेरे साथ हैं, और ये मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं, क्योंकि भाई बच्चों को होता है जहाँ मम्मा होगी ना वो वहीं होंगे।
मम्मा क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उनके आगे भी। और ये देखिए इसने फ्लावर उठा के और देखिए घंटी के अंदर डाल रही है। इसकी शरारतें ना बच्चों जैसे ही है, भाई है ये भी बच्ची, खैर तो बहुत ही शरारतें करती रहती है। और इसको ना डांट भी बहुत पड़ती है, सबसे ज़्यादा डांट यही खाती है मैडम मम्मी की, और वो दोनों भी खाती है, लेकिन ना ये ज़्यादा खाती है क्योंकि ये सबसे छोटी है ना, तो वो दोनों तो संभल जाती है, उनको डांट दो तो वो एक जगह बैठ जाएंगी, कोई शैतानी नहीं करेगी, लेकिन ये मैडम इनको डांट दो तो कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, ये देखिए रिद्धि और सिद्धि दोनों आ चुके हैं घर पर, और जिनके यहाँ पर कन्या खाने गई थी तो उन्होंने उनको मतलब छोड़ देते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है कि जिनको कन्या लेनी है जैसे ना, इनको बुला के भी ले जाते हैं और छोड़ने भी आ जाते हैं। तो पहले तो जब छोटी थी ना तो मुझे साथ में जाना पड़ता था, लेकिन अब मैं इन दोनों से फ्री हो गई हूँ। और मिष्टी का क्या है ना, बुलाने तो मिष्टी को भी आते हैं, इनवाइट तो मिष्टी को भी किया जाता है, लेकिन मिष्टी मैडम है वो कहीं जाती नहीं है मम्मा के बगैर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ईयर से जब ना दीदी लोग जाया करेंगे तो ये खुद ही जाने लगेगी, अभी तो ये मेरे साथ ही जाती। तो इतने सारे घर पर काम होते हैं, और आप जानते हो अभी अभी लखनऊ से आने के बाद, सफ़र करने के बाद ना एकदम से ये हुआ कि नहीं चलो व्रत का है, तो भाई 9 दिन के मिस्टर इंडिया के तो 9 दिन के पूरे व्रत थे, तो मेरे तो स्टार्टिंग एंड लास्ट का मैंने रखा हुआ था। तो बस अब हम लोग कन्या पूजन करके मतलब फिर फ्री हो जाएंगे, हवन वगैरह करके कन्याओं को खिला पिला के तब जाके हम लोग खाना वाना कुछ खाएंगे। आज बस सुबह से ना सिर्फ चाय पिए, नहा धो के, और कुछ भी नहीं। और भाई धीरे धीरे लेट हो ही जाता है बच्चों को बुलाने में, बोलने में, कहने में। और आप देख रहे हैं हेयर वॉश करने के बाद ना हेयर कैसे चिपके चिपके लग रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं मिला कि हाँ मैं उसको ड्रायर लगा दूँ, तो चलो कोई नहीं बाद में लगा लेंगे। तो चलिए भाई मेरे साथ पूजा है, आप भी करिए, आप भी हवन के मंत्र पढ़िए सुनिए, और अपने भगवान जी को, अपने आराध्य जी को ये हवन जरूर सुनाइएगा। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप बुक से भी पढ़कर उनको सुना सकते हैं। सोच रही थी कि लाओ अंदर वाली हवन पूजा कर लेती हूँ, और देखिएगा अभी मैं आपको ना और अच्छे से जूम करके दिखाऊंगी, माता रानी बहुत सुंदर लग रही है। और बस आरती कर रही थी मैं, और देखिए मेरी जो दो देवियाँ हैं ना, इनको बड़ी मस्ती सोच रही थी, इनको बड़ा अच्छा लग रहा था, आरती वगैरह हम कर रहे थे ना तो खूब क्लैपिंग कर दी। और होना भी चाहिए, बच्चों को आप जैसे संस्कार देते हो ना तो बच्चे वैसे ही आगे बढ़ते हैं। और सिद्धि और मिष्टी का तो क्या है ना, अभी रिद्धि नहीं आई है, तो ये इन लोगों को हम सिखाते हैं कि आप ओम नमः शिवाय बोलो या गायत्री मंत्र बोलो, ये सब सिखाना भी चाहिए। आरती है, पूजा है, जैसे शाम होती है ना तो बच्चों को ये याद रहता है कि हाँ मम्मा चलिए आरती करते हैं, और जैसे मॉर्निंग में होता है तो पापा लोग आरती करते हैं तो तुरंत पापा मुझे भी आरती करना है, तो ये सारे संस्कार दिए जाते हैं। और फिर पता है क्या, लाइफ में ना ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, आपको हर चीज़ आनी चाहिए, आप पढ़ाई लिखाई सब करिए लेकिन आप भी प्रैक्टिकल भी रहिए, भगवान के प्रति भी आप अपना समर्पण दीजिए, आप अपना भगवान के लिए भी आप अपने समय का त्याग करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान के लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना तो आप किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, चाहे आप 5 ही मिनट निकालिए, मैं नहीं कहती आप घंटा 2 घंटा पूजा करिए, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी पूजा करते हैं ना, दिल से भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान उसी में खुश हो जाते हैं, भगवान कहते हैं मेरे भजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ आप 5 मिनट बस मेरा नाम ले लीजिए। और ये देख रहे मंदिर के ऊपर कोलाज रखा है, कोलाज तो वैसे मुझे नीचे रखना था लेकिन बच्चों के मारे ना मैं नीचे नहीं रख पा रही, इसलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया। और ये देखिए मेरी माता रानी सुंदर सी, कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। और आप भी बताइएगा कमेंट में मेरा मंदिर और मेरी माता रानी के जो मैंने डेकोरेशन किया वो कैसे लगे, ज़रूर बता देना। बहुत सिंपल सी डेकोरेशन है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो वही हो रहा है।
और माता रानी को तो आप बस मन से भाव से उनको सजाइए, वो खूब खुश हो जाती हैं। और वाकई में और मेरा मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है, आप बता देना मुझे कैसा लग रहा है। और देखिए ये देखिए कितने फ्लावर अब ये ना बच गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि ना जब हवन में बैठेंगे ना तो कुछ मंत्र वगैरह में ना फ्लावर चाहिए होते हैं, तो उसी में मैं मतलब इसका भी यूज़ कर लूँगी। और ये देखो बस दे देखिए हमारी हवन वाली बेदी कितनी सुंदर से सज गई है। और साथ में देखिए पार्थिव पूजन के लिए भगवान शिव एंड माता पार्वती का पूरा परिवार भी हम लोगों ने बना लिया है, अब बस हमारी पूजा करनी बाकी है। और ये जो पूड़ियाँ दिख रहे हैं ना ये माता रानी के लिए मैंने शुद्ध देसी घी से निकाल दी है, हलवा भी बन रहा है, हलवा मैं जा रही हूँ बनाने, तो बस तब तक हलवा बनाऊँगी। और हलवा देखो बना के मैं आ भी गई हूँ, और हवन मैंने स्टार्ट मतलब करने से पहले जो भी सारी प्रिपरेशन होती है वही सब चेक कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है, कहीं पर जल है गंगा जल है कि नहीं है, फूल फ्लावर है कि नहीं, और जैसे बताशे वगैरह होते हैं ना तो कुछ ना जैसे हवन होता है ना तो आप उसमें भी बताशे मिक्स कर देते हैं, तो वह मैंने आपको बताया ना कि जो हवन होता है आप जैसे आप अपनी थाली सजा के भगवान खाते हैं ना उसी तरह से आपको हवन भी सजा कर मतलब वो जो हवन की खुशबू हवन से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए। और जितना हो सके आपको हवन में वैसे तो हवन सामग्री मैंने भी बाहर से मार्केट से ले रखी है, लेकिन उसमें आपको जो भी इंक्लूड करना है जैसे कि हो गया आपका बताशे हो गए ठीक है, देसी घी हो गया वो आप इंक्लूड करिए, और साथ में मिश्री है वो इंक्लूड कर सकते हैं, इलायची दाना है वो इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भगवान को खिलानी है आप इंक्लूड कर सकते हो ठीक है। तो वही सब है, पान सुपारी वगैरह भी आप ले के रख सकते हो, और नारियल है सूखा वाला गोला जो होता है वो भी आप ले के रख सकते हो। तो वही सब मैं अभी तैयारी देख रही थी, तो मिस्टर ने कहते हैं बाकी सब तैयारी बस अब स्टार्ट करने की देरी है, तो वही सब मैं कर रही थी। उससे पहले हम लोग ना पार्थिव पूजन करने लगे, क्योंकि पार्थिव पूजन कर देंगे ना फिर हवन स्टार्ट करेंगे, तो भगवान शिव शंकर की पार्थिव पूजन जो ये पूजा है ना किसी दिन मैं आपको ना एक ब्लॉग में डाल के दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से और मन से करनी चाहिए। इसमें आपके पास जो भी सामग्री हो वो उसका यूज़ करना चाहिए, बस आपको मेन गंगा जल वगैरह जरूर होना चाहिए, फ्लावर जरूर होना चाहिए। डेली में जैसे आप पूजा करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं अवेलेबल होती, तो जो होता है उसी से आप पूजा करिए। लेकिन जब से मैं ये पूजा करती हूँ ना तो ये रिद्धि सिद्धि से पहले की मेरी पूजा स्टार्ट है, तो तब से इतनी शांति मिलती है ना कि पूजा करने के बाद लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, आपको सब कुछ अच्छा ही होगा, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव जितना भी होगा ना आपके मन में सब भाग जाएगा दूर चला जाएगा। और भगवान के पास आप जब भी बैठते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा तो आ ही जाती है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही आप उनके सामने जाते हैं, और जो कुछ गलत इधर उधर का होता भी है ना तो भगवान उसको सब फट से भगा भी देते हैं। और उनका तो आप जानते हो हनुमान जी के सामने बस आप खड़े ही हो जाइए, अगर कुछ नेगेटिव होगा तो सब दूर हो जाता है, तो बस भगवान की तो एक रोशनी भी अगर आप पे एक दृष्टि भी पड़ जाए ना तो उसका क्या ही कहना। बस जी मैं भी बैठ गई हूँ हवन करने।
जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र पाना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की, देवी तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैं देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊँगा। माँ माँ अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणि ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है माँ कि मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव शिवानी भवानी इन नामों को जपते हुए बीते। माँ माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने आराधना कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, कृपा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ पहले कभी नहीं करता था। मेरी इस सत्ता का मान लेना, इसे मेरी सत्ता न मान लेना माँ, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों नहीं करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है, ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन माँ, सादर प्रणाम। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब पुकारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर वीर पड़ी है भारी माँ, गानों दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से बलशाली, अच्छे भुजाओं वाली, दुष्टों को पूरी ललकारती हो मैया, हम सबको तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आने वाली, सतियों के सत को सवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा। तो बस यहाँ पर देखिए पापा और बेटू की मस्ती चल रही है, और दोनों ये रिद्धि सिद्धि है ना, इनको चैन नहीं है, और ना पापा को मस्ती करते रहते हैं सारे के सारे, और आप देख रहे हो इनको क्या है, दोनों को चढ़ना है पापा के पास। तो मैं कह रही हूँ रहने दो, लेकिन पापा भी कह रहे हैं नहीं अभी तो छोटी हैं तो कोई बात नहीं, फिर बड़ी हो जाएंगी फिर कहाँ मौका मिलेगा। मैंने कहा हाँ ये तो है।
वही सब देखिए इनको मस्तीखोरों को क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। ये पापा के साथ मस्ती ना कर लें इनका दिन पूरा भी नहीं होता है। और आज तो वैसे भी इतना सारा बड़ा दिन है देवी मैया का, तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो बस ऐसे आरती थोड़ा सा ये कर रहे थे, कह रहे थे उसके बाद बस हवन हो चुका है, अब बच्चों को मतलब कन्याओं को खिलाएंगे कंजी का जिमाने के बाद, फिर मैं भी कुछ ना कुछ खाऊंगा। तो देखिए आज दोनों रिद्धि सिद्धि और खुश कितना है, इनके चेहरे की खुशी देख रहे हैं आप, इन्हें इतनी मस्ती खोरी हो रही है ना इन लोगों की, बहुत मज़ा आ रहा है इन्हें। तो वही पापा कह रहे थे, मैंने कहा अब आरती रख दीजिए नहीं तो ये लोग ना इधर उधर खिसक जाएंगे। तो बस रिद्धि को वही डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, लेकिन चढ़ना ज़रूर है, डरना भी है चढ़ना भी। तो कह रही पापा मैं गिर जाऊँगी, तो पापा कह रहे नहीं आप नहीं गिरोगे, मैं हूँ ना आपके पास। और सिद्धि और रिद्धि दोनों ना एक दूसरे को मतलब पुशअप कर रही हैं ताकि कोई एक गिर जाए। तो मैं कह रही बस अब आरती रख दो, माता रानी को आरती हो गई है और अब इनकी मस्ती देख लीजिए। बस अब आरती के बाद अब हम जा रहे हैं फटाफट से, मैं कन्या को बुलाने जा रही हूँ। और बस कन्या को बुला के फटाफट उन्हें खिलाने के बाद हम लोग अपना व्रत पूरा करेंगे और हम भी कुछ ना कुछ खाएंगे।